Hey, welcome back to another video, guys. What's up, guys? मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त और आप सभी का फिर से एक बार फाड़ूदा स्वागत करता हूँ YouTube के जीरो रनिंग जोड़ की इस चैनल पर. So, guys, वीडियो को थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि आज का वीडियो क्या होने वाला है. जी दोस्तों, आज मैं ऐसे एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि YouTube में इससे पहले कोई ट्यूटोरियल नहीं दिखा है, रिव्यू नहीं दिखा है, और ये सब एप्लीकेशन में से एक है. यानी फोटो एडिटिंग का जितने सारे एप्लीकेशन है उन सब का बाप है इस 2020 साल में. क्योंकि गाइस, जैसे हम लोग प्रेजेंट वन क्लिक में करते ना, ये एप्लीकेशन ही उस तरीके से है. वन क्लिक में एडिट कंप्लीट. सो चलिए गाइस, वीडियो में आगे आपको बताते हैं. चलिए गाइस मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे. सो गाइस, हम आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और चलिए गाइस आपको दिखाते हैं वो एप्लीकेशन कौन सा है. गाइस, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके या प्ले स्टोर में जाकर के भी. सो प्ले स्टोर में जाकर दिखा देते हैं एप्लीकेशन क्या है. ये जो फोटो एडिटर दिख रहे हैं ना, यही वो एप्लीकेशन. सो प्ले स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं फोटो एडिटर. सो गाइस, यही है फोटो एडिटर वो एप्लीकेशन. सो गाइस, देख सकते हो इसका रेटिंग कितना ज्यादा है, 4.3 स्टार है दिया हुआ है और सब पॉजिटिव फीडबैक. सो गाइस, चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो ये फोटो एडिटर में सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा और ये बिल्कुल फ्री है. सो गाइस, आपको फोटो ऐड कर लेना पड़ेगा. कौन सा फोटो ऐड करके आप स्वाइप कर भी ऐड कर सकते हो, गैलरी में जा करके भी. तो मैं स्वाइप करके ऐड कर लूँगा, ठीक है. सो यहाँ पर जे आर भाई का मैं यहाँ फोटो ले लेता हूँ. और गाइस देखिए कितना शानदार फोटो ये है. और गाइस, इसे एप्लीकेशन से एडिट किया हुआ है. सो गाइस, इतना यहाँ पर जितने सारे सेटिंग्स है सब दिखाने का तो मौका मुझे मिलेगा, फिर भी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं. सो यहाँ पर पहले बात आता है एनएस. सो यहाँ पर देखिए हाई डेफिनेशन, स्क्रीन फूट पोर्ट्रेट नाइट, आप क्या मोड देना चाहते हो. तो मैं हाई डेफिनेशन ही देता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ. थोड़ा बहुत इफेक्ट है, अब क्या करना चाहते हो. यहाँ पर देखिए ओरिजिनल में डार्क मोड ब्लैक एंड वाइट. सो मैं अगर डार्क मोड की बात करें, सेंटोसा ये जो है बोलते हैं सेंटोसा ये है उसका. सो देख लीजिए कितना फ्रेम भी है, फ्रेम भी आप लगा सकते हो, फ्रेम भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है. अपने हिसाब से आप काम कीजिएगा. स्टिकर की है, आप अगर स्टिकर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो ओरिजिनल. उसके बाद ओवरले भी है, ठीक है, ओवरले भी देख सकते हो, ठीक है ना. सो उसके बाद गाइस आप क्रॉप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से आप क्रॉप कर सकते हो अपने कोई भी एडजस्टमेंट के तहत, ठीक है. उसके बाद फोकस है, आप कौन से के ऊपर फोकस लेना चाहते हो, या इसके ऊपर इसके ऊपर, आप वहाँ से ही फोकस भी ले सकते हो, ठीक है. उसके बाद मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, ठीक है ना. सो अपने हिसाब से गाइस कीजिएगा, बहुत सारे सेटिंग हैं. और यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में वाइज ब्राइटनेस भी है, आप ब्राइटनेस भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी है, अब आसानी से गाइस ये लाइटरूम के जैसा इतना कठिन नहीं है. एक्सपोज भी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से कीजिएगा. वर्म भी है अपने हिसाब से, सेचुलेशन भी है, यानी सब कुछ इसमें मौजूद है. शेडोज भी है और ये बहुत ही आसान है. ऐसे ऐसे नहीं 4.3 स्टार मिल गया इसका 5 स्टार में से, आउट ऑफ 5 स्टार. तो ये भी देखिए, अब ड्रेस का भी कलर चेंज कर सकते हो, सबका लाइटिंग कलर दे रहा है. सो यहाँ पर फेड भी है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है. उसके बाद गाइस यहाँ पर फ्लैश सेटिंग भी है, आप यहाँ पर देखिए फ्री कलर अपने हिसाब से कीजिएगा. टेक्स्ट भी है, अगर आप कोई लोगो वोगो, जैसे यहाँ पर जी आर वाई का लोगो है तो आप भी अपने लोगो लगा सकते हो अपने हिसाब से. ब्लर भी है, ब्लर क्या करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना. तो अपने हिसाब से आप कीजिएगा, ओके. तो यहाँ पर देखिए रेडिए भी, आप अगर रेड का कलर रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है. सो ये सारे सेटिंग्स इसमें मौजूद है, सारे फंक्शन मौजूद है, और भी सारे फंक्शन मौजूद है, आप चाहे तो आप देख भी सकते हो. और ये एप्लीकेशन निकल के आ रहा है क्रिएटिव क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड है. उसके बाद गाइस ये आपको ना मेरे जो राइट साइड में दिख रहा है डन डन करके आप लोग आसानी से सेव कर सकते हो इस पिक्चर को, ठीक है, यानी इस फोटो को. सो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही है. अगर कोई असुविधा हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स का आंसर देने के लिए. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ. तो आज का वीडियो इतना तक ही था, और नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो लेके सभी सामने आएगा जियो रेडिंग जोन के मेंबर्स. तब तक के लिए अच्छे से रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू गाइस.